आप लोग अपने 1.5 किलो के बल्ले को धार मार लो, क्योंकि मेरे 2.5 किलो का बल्ला अब तैयार हो चुका है। लेकिन मेरा क्या होगा कालिया? रणबीर की गर्लफ्रेंड है आलिया। सैनिक के लिए बजाओ तालिया। दूल्हे की सालिया, हरे दुपट्टे वालिया। वैसे रोहित भाई कैसे लग रहा है आपको इतने दिनों बाद टीम में एंट्री करके? ओए मुन्ना, तू भी चहल टीवी शुरू कर रहा है क्या? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। चहल तो धनसिंह के साथ इंस्टा में स्टोरी डालने में बिजी है, इसीलिए मैं अपनी टीवी चला रहा हूँ। ओए पुजारा भाई, चहल के साथ ऐसा मत कर। नई नवेली शादी हुई है उसकी, उसका करियर बर्बाद मत कर। मैं तो बस उसको सपोर्ट कर रहा था भाई। सपोर्ट की बात हुई तो सपोर्ट लोगों ने मुझे बहुत किया है, इसलिए मैं आज खेल पा रहा हूँ। पिछला साल नटराजन के लिए सही था, अब देखो उसे टेस्ट में भी मौका मिल रहा है। मौके पे चौका मारना कोई नटराजन से सीखे। वो तो गेंदबाज होके चौका मार रहा है। हाँ भाई सही कहा आपने। क्या सही बोला बोला, तूने तो बल्लेबाजी करके भी चौका नहीं मारा। होता है भाई, कभी कभी होता है। पंत ने भी कितनी अच्छी अच्छी कैच छोड़ी, उसे कोई कुछ नहीं बोलता। ए भाई मुझे मत घसीट इसमें, मैं शांत इंसान हूँ। मैं तो बस फैक्ट बता रहा था भाई। भाई अब छाती में दर्द होगा सबको, क्योंकि उमेश की जगह मुझे मौका मिल गया। हाँ भाई फैक्ट की बात बोला तूने। ए भाई छाती पे बॉल मत मारना किसी के, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे तो लगा कि हमें खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा, मुझे लगा मैं भी पृथ्वी शॉ के साथ आइसोलेशन में बंद हो जाऊंगा। मैंने तो बोला था मुन्ना कि बिल वो भरेगा जो लास्ट में खाना खत्म करेगा। मैंने तो जल्दी खत्म कर दिया था भाई। मैंने भी सब खत्म कर दिया था, लेकिन बिल जिसने दिया वो कहाँ पे? बिल तो गिल ने दिया था ना। ना मुन्ना ना, वो जो भी था उसने हमें चूना लगाया। अच्छा हुआ भाई उसने बिल भरा, क्योंकि मैं मान्य करता हूँ कि सबसे लास्ट मैंने ही खाना खत्म किया था, इसलिए मुझे ही बिल भरना पड़ता ना, तो मैं बच गया। इसलिए तुझे थर्ड टेस्ट में खेलने का मौका नहीं मिला। अरे आप क्यों नाराज हो गए, मैं तो फैक्ट की बातें कर रहा था भाई। तू अब बायो बबल में बैठ के नासा का हबल देख। बस यही देखना बाकी रह गया था भाई। वैसे ओपनिंग कौन करेगा? ओपनिंग मैं करूँगा। तू कैसे ओपनिंग करेगा, तू तो खेल नहीं रहा है। मैं तो ओपनिंग सेरेमनी की बात कर रहा था भाई। समझ गया, तू फैट की बातें कर रहा था। लेकिन राहुल बाबा कहाँ पे भाई? भक्त जनो, मैं जख्मी हूँ तो क्या हुआ, मैं अपनी चोट को डॉक्टर को नोट देके ठीक कर लूंगा। और वैसे भी मेरे शरीर को चोट लगी है, मेरी आत्मा को नहीं, इसीलिए मेरा शरीर इंडिया में जा रहा है, लेकिन मेरी आत्मा आपके साथ रहेगी। बस आप लोग उसके साथ बैठ के रेस्टोरेंट में डिनर मत करना, वरना आप मेरी आत्मा को भी आइसोलेशन में डाल दोगे, जिससे मेरी समाधि टूट सकती है। अगर भक्तजनों ऐसा हुआ तो मैं आप सबको अपने ऊटी के कुटी में कड़वी जड़ी बूटी खिलाऊंगा और पानी भी नहीं पिलाऊंगा, क्योंकि मैं फॉर्म में हूँ। मुन्ना लोग, मैंने देखा कि आप हमारे चैनल को पूरा देखते हैं, लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते। इस बार आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, वरना आपको भी राहुल बाबा की ऊटी की कुटी में जाके जड़ी बूटी खिलाना पड़ेगा। और बिहाइंड द सीन और शॉर्ट वीडियोस के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में।